कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव का पार्टी की हार पर बड़ा बयान, कहा बीजेपी का जाट और नॉन जाट का नैरेटिव चल रहा है। बीजेपी ने अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की है और कांग्रेस में तालमेल की कमी रही है कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी ने अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की है, कैप्टन अजय की तरफ से कहा गया है, और कांग्रेस में तालमेल की कमी रही। दिया उसके बाद फिर इस्तीफा वापस यही थी कि जो मुद्दे हैं ओबीसी के, जैसे जातीय जनगणना है, क्रीमी लेयर है, आपका ओबीसी के डिपार्टमेंट अलग होना, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना होना, खासतौर से हरियाणा के अंदर जो ओबीसी को जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना मिलना, इन सब मुद्दों को लेकर जो है मतभेद थे। सर, ओबीसी को लेकर लगातार आप आवाज़ उठाते रहते हैं, आप चेयरमैन भी हैं, पूरे प्रदेश की बात कर लें या फिर अलग अलग राज्यों में आपने दौरा भी किया है, क्या लगता है सर, हरियाणा में ओबीसी को किनारा किया गया, उनको दरकिनार किया? नहीं, जितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। अब उनके CM ओबीसी हैं, उनके जो हैं आपके 3 केंद्रीय मंत्री हैं वो ओबीसी हैं, उनके जो हैं जो आपके पंजाबी हैं उनका अपने मनोहर खट्टर हैं, बडोली जी जो हैं वो ब्राह्मण हैं, तो उनने जो सोशल इंजीनियरिंग है, सुधा यादव जो CEC के मेंबर है, तो उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग हमारे से बेटर थी, और जो उन्होंने नैरेटिव दिया कि अगर बटोगे कटोगे तो जाट नॉन जाट का जो नैरेटिव था उनका चल गया, जिसको उन्होंने बनाया एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो हमारा जो क्षेत्र है यहाँ चल गया। क्या मानते हैं सर आखिरी वजह जो हार की है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार कोई वजह नहीं बता रहा कि हार की मुख्य वजह क्या है, क्या लगता है आपको? आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं सर, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। नहीं नहीं, हार की वजह मैंने आपको बता दी सारी जो है, EVM मशीन है, सोशल इंजीनियरिंग की कमी रही है, और जो है आपका प्रॉपर जो है जो कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए था, फिर जो प्रॉपर AICC और PCC के अंदर जो प्रॉपर जो मॉनिटरिंग नहीं हुई, माइक्रो मैनेजमेंट की कमी रही है, मिस मैनेजमेंट रही है, इन सब कारणों की वजह से हम हार हुई है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। राजा पटेल, दिल्ली, खबर अभी तक।